आज मैं आपको काफी बढ़िया और हेल्दी मठरी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आज हम मैदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, एक कप और 2 कप में गेहूं के आटे का यूज कर रही हूँ। आटा मेरा छना हुआ है इसलिए इसे मैं नहीं छान रही हूँ, आप इसे छान कर ही यूज कीजिए। इसे अच्छे क्रिस्पी बनाने के लिए इसी के अंदर मैं 3 चम्मच सूजी का यूज कर रही हूँ। सूजी मेरी थोड़ी सी बारीक वाली है, आपके पास बारीक हो तो डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ी सी मोटी रहेगी तो भी चलेगी। 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं कलौंजी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिए, इसे भी थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इसी के अंदर मैं तिल भी डाल रही हूँ, नॉर्मल वाला जो सादा तिल आता है मैंने उसका यूज करा है, इसे मैंने 1/2 चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच से ज्यादा लिया है क्योंकि मटरी में थोड़ा सा नमक कम रहता है तो ही अच्छी लगती है। नमक अगर तेज रहता है उसका टेस्ट जो है एकदम नमकीन ज्यादा आने लगता, तो इतना अच्छा नहीं लगता। इसी के अंदर मोइन के लिए मैं तेल का यूज कर रही हूँ, मैंने 1/4 कप ये तेल लिया है। इन सबको आपको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज्यादा हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है क्योंकि आगे जो हम स्टेप करेंगे उसके अंदर भी हम घी का यूज करेंगे। इससे जो हमारी मठरी है काफी बढ़िया बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, कुरकुरी बनेगी। मोम को जितने अच्छे से आप मिक्स करते हैं उतनी बढ़िया हमारी जो मठरी है या फिर जो भी चीज़ आप मीठी भी अगर मठरी बनाना चाहते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया बनती है। बस इस तरह से दोनों हाथों से मसल लीजिए ताकि जो हमने तेल का मोइन डाला है वो अच्छे से सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आटा गूंथने के लिए मैं पानी का यूज़ करूँगी, नॉर्मल पानी का। ये देखिए काफी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इस तरह से करने से ये देखिए हमारे हाथों में होल्ड हो रहा है। बस हमें इसी तरह से बहुत ज्यादा नहीं डालना कि एकदम कड़क हमारी मुट्ठी बनने लगे, इस तरह से तोड़ने पे ये टूट जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और इसका कड़क आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए। आटा आपका कड़क ही रहना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर सॉफ्ट रहेगा तो इस मटरी को आप ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आपको बनाने में दिक्कत आएगी। आटे को बहुत ज़्यादा ताकत लगा के जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से हमें इसे नहीं गूंथना है। बस इसे इकट्ठा करते जाइए, उसके बाद एक साथ इसे हम गूंथ लेंगे। इसी तरह से मैं आटा गूंथ के तैयार कर लूँगी। ये देखिए आटा मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको थोड़ा सा कड़क आटा ही लगाना है। इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को मुझे ढक कर रखे हुए 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है। देखिए आटा जो हमारा काफी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और जो हमने सूजी डाली थी सूजी भी हमारी फूल गई है। थोड़ा सा तेल जो मेरा बचा था इसे हम डाल कर एक बार थोड़ा सा आटे को चिकना कर लेंगे। इसकी हम लोई तोड़ेंगे, मीडियम, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। इसे इस तरह से हम हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए इसकी हम लोई बनाएंगे। इस तरह से आप सारी बना के तैयार कर लीजिए। इस तरह से मैंने लोई बना के तैयार कर ली। इसे अब हम ढक कर साइड में रख देंगे। एक पेड़ा लेंगे, इसे हम बेल लेंगे। आपको नीचे तेल, घी या फिर सूखा आटा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आटा जो है हमें टाइट गूंथ रहा है। इसे हम पतला बेल लेंगे। ये देखिए इसे मैंने एकदम पतला बेला है, जितनी रोटी रहती है लगभग आप समझ लीजिए उसी तरह से। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा चिपक नहीं रहा है। इसके अब जो साइड्स हैं इसे हम कट कर लेंगे। साइड्स मैंने कट कर ली, जो निकला है इसे आप गीले कपड़े में लपेट के रखिए, इससे हम वापस मटरी बना लेंगे।
मैंने घी लिया है, घी मैंने थोड़ा सा इस तरह से जमा हुआ लिया, इसे आप फ्रीज में रख देंगे तो थोड़ा सा ही जम जाएगा, इसे हम हल्का सा लगा देंगे। एक साइड का जो इतना हिस्सा रहता है इस पर हम घी नहीं लगाएंगे, हल्का ही घी लगाना, आपको बहुत सारा नहीं लगाना है। एक साइड को मैंने छोड़ दिया है, इसी के ऊपर मैं सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ, इसे भी हम फैला देंगे इसके ऊपर। हमने पहले मौन इसीलिए बराबर बहुत ज्यादा नहीं डाला था इसे खस्ता बनाने के लिए, क्योंकि हमें ये वाली स्टेप करनी थी। जो हमने एक हिस्सा छोड़ा था इस पे हमने घी भी नहीं लगाया, सूखा आटा भी नहीं लगाया, इस हिस्से पे आपको पानी लगाना है। इसे हमें बिल्कुल टाइट रोल करना है, दबाते हुए टाइट रोल बनाइए इसका, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना रहे। इससे ही जो हमारे मटर की लेयर है काफी अच्छे से खुल कर आएगी। पानी इसलिए हमने लगाया ताकि लास्ट टाइम हमारे इसे अच्छे से चिपक जाए। इसे एक बार हम गोल कर लेंगे ताकि हमारी जो मटर बहुत ज्यादा मोटी ना बने। इसे हमने कर लिया, इसके जो साइड्स हैं इसे आप कट कर लीजिए, इसे भी हम आटे में वापस मिला देंगे। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका शेप बनाना चाहते हैं। मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूं, ये देखिए लेयर से आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर आई है, ये देखिए दोनों साइड। इसे हम इस तरह से बना बना कर रख लेंगे, ये देखिए इतनी मटर मैंने बना के तैयार कर ली। तेल को एक बार हम चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म तेल में इसमें हमें तलने के लिए नहीं डालना है। देखिए डालते से इसमें बबल्स आ रहे हैं, गैस को बिल्कुल मैंने लो करके रखा है, लो फ्लेम पे ही इसे आपको तलना है। बिल्कुल गैस को आपको लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे आपको अच्छे से चलाते हुए क्रिस्पी होना, जब तक इसका कलर जो काफ़ी बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, इसे हम इस तरह से ही चलाते हुए तल लेंगे। मुझे इसे इस तरह से चलाकर तलते हुए 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन ध्यान यही रखना आपको फ्लेम लो रखनी है। अगर तेज गैस में से तलेंगे तो ऊपर से इसका कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से आपकी मटर जो कच्ची रह जाएगी। देखिए कलर आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। इस तरह से इसे हम छलनी में निकाल देंगे, वो थोड़ी देर इसे छलनी में ही रहने देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा नीचे हमारे बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। इसे एक बाउल के ऊपर आप रख दीजिए, लेयर आप खुद देख सकते हैं इसकी, देखिए कितनी बढ़िया लेयर दिख रही है। देखिए आवाज ही आप सुन सकते हैं कितनी बढ़िया क्रिस्पी है। इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरह से रखेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज इसकी आप सुन सकते हैं। तो ये अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अभी ठंडी हो जाए उसके बाद ही किसी एयरटाइट डिब्बे में इसे रख कर आप 1-2 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आवाज आप इसकी सुन सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी आवाज आ रही है। अभी भी पूरी तरह से अच्छे से ठंडी नहीं हुई, पूरी तरह से ठंडे होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है हमारी, ये बिल्कुल आसानी से टूट गई। गेहूं के आटे से हमने इसे बनाया, इसे हेल्दी हमने बनाया, इसमें मैदे का हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। ये देखिए पास से मैं आपको इसकी लेयर दिखा रही हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी बढ़िया है। ये देखिए ऐसे नहीं कि इसी मटरी में ही, आप कोई भी मटरी उठा के देखेंगे ये देखिए लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और एकदम परफेक्ट लेयर है, और काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी है, क्रिस्पी भी है, और इसने ऑयल भी ज़्यादा नहीं है सोखा अपने अंदर। देखिए मैंने बाउल के अंदर छलने को रखा था, उसमें बिल्कुल भी हमारा ऑयल नहीं आया, सिर्फ 1 से 2 बूंद ही आया है। एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारी ये मटरी जो है बन के तैयार हो गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।